हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। और देखिए, आज मैं कोई व्लॉग नहीं लेकर के आई हूँ, ना कुकिंग का कुछ भी मतलब रेसिपी। मैं आज कहीं घूमने जा रही हूँ। देखिए, मेरा बेटा मेरे हस्बैंड के सबके साथ में, तो वही अभी हम लोग देखें यहाँ पे हैं। आपको दिखा रहे कितना अच्छा यहाँ पे नज़ारा है, देखिए। और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। मेरा बेटा है और ये बच्चे लोग सब, हम लोग सब निकलेंगे यहाँ पे। अभी बस रेडी हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आगे। आगे देखिए कहाँ जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। सो यहाँ पे मेरा बेटा और बेटी जो है, मेरी जो ससुर की बेटी है, वो सब खेल रहे हैं दोनों। पहले भी आप मिल चुके हैं ना ये लोग से, तो ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। देखिए, लोग खेला हो रहा है। और हम लोग फिर बच्चे लोग जब खेल लेंगे ना, तो फिर मेरे हस्बैंड भी मतलब बोल रहे हैं हम निकलेंगे ही, तैयार ही हैं यहाँ पे देखिए। और बस यहाँ पे निकलेंगे, अपने फ्रेंड से थोड़ा मिल रहे हैं, जो कुछ काम था यहाँ पे, तो अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, फ्रेंड के पास हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल के आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ से एक डैम दिख रहा है। कितना बड़ा डैम है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन दिख नहीं पा रहा है अच्छा से। रुकिए, मैं आप सबको दिखाती हूँ डैम। यहाँ पे देखिए, देखिए कितना बड़ा डैम है। जो घर बहुत सा बिल्डिंग बने हुए हैं ना, उसके पीछे में थोड़ा थोड़ा आप सबको दिख रहा होगा। देखिए, दिखा थोड़ा थोड़ा आप सबको दिखा? तो देखिए, वही मैं डैम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप सबको, कि देखिए यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो देखिए, अब हम लोग निकल गए हैं, ये रास्ते में हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा रोड है, पूरा जंगल है, घाटी है ये। यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा, बाबू बोला थोड़ा सा हम लोग रुक जाते हैं मम्मी यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा रोड दिख रहा है ना, चारों तरफ से ऊंचा ऊंचा। देखिए कितना डाउन में है, ऊंचा पे पूरा दिख रहा है रोड। और इधर पहाड़ है चारों तरफ से घिरा हुआ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब। तो कभी कभी टाइम मिलता है तो घूमना चाहिए, ऐसे तो टाइम नहीं हो पाता है हम लोग को, कहीं निकल नहीं पाते हैं घर से। लेकिन जब टाइम मिलता है तो निकल जाते हैं कभी कभी सब। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके, बेटा मेरा चिप्स ये सब खा रहा था सब। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से भी अब निकल रहे हैं, आगे दिखाते हैं आप सबको। यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब निकल गए यहाँ से। देखिए, मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कितना अच्छा नज़ारा है, वही सब मैं आप सबको दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए, पहुँच चुके हैं फाइनली यहाँ पे, जहाँ पे आ रहे थे हम लोग। और यह है डैम, इस जगह का नाम है पतरातू, झारखंड में पड़ता है। पतरातू डैम है ये, झारखंड के बहुत अच्छा जगह है ये। मतलब चारों तरफ से जंगल है, हरे भरे हैं, पूरा डैम है देखिए यहाँ पे। और बच्चे के खेलने के लिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे देखिए, घोड़ा भी दिख रहा होगा अभी आप सबको दिखाए, यहाँ घोड़ा जा रहा था, उस पर भी बैठ सकते हैं। फिर बच्चे का जो गाड़ी जिसमें बैठ के घूम सकते हैं, वो गाड़ी भी है। और कुछ कुछ मतलब जैसे खाने का भी यहाँ पे सब सामान, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पे। तो ये देखिए, मेरा बेटा का जिद शुरू हो गया। जैसे मैं यहाँ पहुँची ना, इसका जिद शुरू हो गया कि पापा चलिए ये कर दीजिए, पापा वो कर दीजिए। वो तो जहाँ जाता है उसका जिद शुरू हो गया। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि पापा मुझे वोट पे चढ़ना है, डैम में मतलब जाना है वोटिंग करने के लिए। तो अभी थोड़ा मौसम ना ठीक यहाँ पे नहीं है, देखिए अभी थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाता है। तो जिस वजह से ये मना कर रहे कि बेटा मौसम ठीक नहीं है, वोट में नहीं जाएंगे। तो वही दिखा रहे, पापा चलिए ना, पापा चलिए ना। और मैं आप सबको चारों तरफ से यहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा जगह है। यहाँ पे मतलब जैसे 1 जनवरी पे लोग पिकनिक के लिए भी आते हैं, यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। और घर से सारा सामान लेकर के आते हैं, और यहाँ पे जैसे खाना ये सब भी यहाँ बनाते हैं कुछ लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना बना रहे थे मैं देखी। और जो खरीद के लिए कुछ आए हैं वो यहाँ पे खरीद के खाते हैं। तो मतलब पिकनिक का भी ये अच्छा जगह है।
तो जिस कारण से यहाँ पे पिकनिक मनाने भी लोग आते हैं। तो मैं वही आप सबको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए डैम, और यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे हैं वो सब। और इधर जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे मछली के लिए लगाया गया है, मछली पालन जो होता है ना उसका नेट है वो। तो आप लोग देखिए कितना अच्छा जगह है ये। अच्छा लगा आप सबको? मुझे तो बहुत पसंद आया था ये जगह। मतलब थोड़ा घूमने के लिए अच्छा है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा डैम है ना जिस वजह से अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए। तो मैं सोची कि मैं भी, संडे है तो मैं भी संडे को थोड़ा घूम लेती हूँ, इंजॉय कर लेती हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा घूमना इसलिए। तो हम लोग सब तरफ घूम लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा नहीं लगा हुआ था यहाँ पे खाने का, तो चाट फुचका होता है ना वही सब का ठेला यहाँ पे लगाए हुए थे। तो वही मेरे हस्बैंड बोले चलो पहले कुछ खा लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहले फुचका खाए। वैसे मैं जब से ये हुआ है ना कोरोना लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ, तब से मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, घर का ही बना हुआ खाती हूँ। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था तो खाना ही पड़ा लास्ट में, तो वही सब देखिए फुचका और चाट खा रहे हैं। मैं भी खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड, बच्चे लोग भी खा रहे हैं यहाँ पे। सब हम लोग गए हैं ना फैमिली पूरा, तो वही सभी लोग भी खा ले रहे हैं, दोनों साथ में ही भाई बहन देखिए लोग खा रहे हैं। फुचका भी खाया, सूखा वाला जो होता है ना वो। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ तो बच्चे लोग को इंजॉय के लिए कराना पड़ता है ना, तो वोटिंग नहीं करा पाई, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए अभी लोग का खेला। तो मस्ती हो गया ये लोग का, बच्चे लोग का मस्ती, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, नहीं तो फिर बोलेगा बस आए घूम के ले जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा ये लोग का मस्ती हो गया। और इसके बाद ना मतलब बारिश शुरू हो गया, मौसम में बताई थी कि ठीक नहीं है, जिस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए आप मेरे गाड़ी के जो शीशा है उस पर आप देख सकते हैं पानी के बूंदे। तो इसलिए फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि फिर जाते तो ठंडा के दिन है और तबीयत भी ख़राब हो जाता, तो निकल गए हम लोग अब वहाँ से। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आगे में आ गई हूँ, तो ये जो मैं खड़ी हूँ ना ये रोड बहुत ही अच्छा यहाँ पे है, ये पतरातू जो रामगढ़ सब जाने का रोड है यहाँ पे ना, मतलब ये एक कंटिन्यूअस देखिए यहाँ पे आपको रोड नीचे में भी दिख रहा होगा, कंटिन्यू कंटिन्यू सात रोड है ऐसे गोल गोल घुमा हुआ है, गोलाकार सा बना हुआ है, पहाड़ में मतलब कट करके रोड बनाया गया है, तो जिस वजह से सात बार ऐसे घूमता है गाड़ी, तो वो बहुत अच्छा लगता है वो देख करके यहाँ पे। तो आप सबको अगर मेरा पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।